दोस्तों आजकल मैं एक बड़ा अजीब सा ट्रेंड देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे। बहुत सारे लोग हमें आके एडवाइस दे रहे हैं कि यू मस्ट रीड सो मैनी बुक्स इन अ ईयर। अगर आप ये प्रैक्टिस अप्लाई करोगे तो आप इतनी सारी किताबें एक साल में पढ़ सकते हो। सो सारा फोकस हाउ मैनी पे चला गया कि मैं एक साल में 30 किताबें पढ़ता हूँ, मैं एक साल में 50 किताबें पढ़ता हूँ। लोग इसकी टेक्निक्स दे रहे हैं सोशल मीडिया पे। आई थिंक वी मिसिंग अ पॉइंट हियर। लाइफ इज नॉट अबाउट हाउ मैनी, लाइफ इज अबाउट हाउ डीप यू आर। सो अकॉर्डिंग टू मी इट डज नॉट डिपेंड कि आप कितनी किताबें एक साल में पढ़ रहे हैं। चाहे आप एक साल में सिर्फ एक ही किताब पढ़ें, मगर अगर आपने उस किताब को बहुत गहराई से पढ़ लिया, जान लिया, समझ लिया और अपने जीवन में उतार लिया, तो वो एक किताब ही आपका जीवन परिवर्तन कर सकती है। सो आई थिंक द क्वेश्चन इज नॉट अबाउट हाउ मैनी, द क्वेश्चन इज अबाउट हाउ डीप। सो आई थिंक वी मस्ट फोकस ऑन दैट। सो इस कॉन्फ्लिक्ट से निकल जाते हैं कि आप और मैं कितनी किताबें पढ़ रहे हैं हर साल, इस बात पे आ जाते हैं कि एक भी किताब जो हम पढ़ रहे हैं हम उसको कितनी गहराई, कितनी त्वरता से पढ़ रहे हैं। आई थिंक दैट्स द गेम चेंजर। फॉलो दैट, एक्सपेरिमेंट विद दैट एंड सी व्हाट इट डज टू यू। थैंक यू।